महाराष्ट्र में हुए सत्ता संघर्ष के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है और एक्शन में पहले ही दिन से दिखाई दे रहे। आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ली। बात करने के लिए हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री साहब है। सर, एक्शन में पहले ही दिन से नजर आ रहे हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और इसलिए एक पार्टी वर्कर के हैसियत से ये एक्शन मोड में आना, आज भारी बारिश हो रही है, कई बार किसी का नुकसान न हो इसलिए मैंने आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बैठक ली है। उसमें उप मुख्यमंत्री शामिल थे, सभी विभाग के लोग थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NDRF और सभी विभाग उसमें मौजूद थे। सभी लोग अलर्ट हैं, सभी परिस्थिति को प्रिवेंट करने के लिए और फेस करने के लिए सभी तैयार है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, लोग कयास लगा रहे थे, मीडिया वाले भी लगातार ये खबरें बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और आप मुख्यमंत्री हो गए और वो डिप्यूटी CM हो गए, ये कहानी क्या है, थोड़ा सा आपको कब पता लगा? कल देखिए, मैं यहाँ पर आया क्लेम करने के लिए और राज्य गवर्नर साहब के पास इतने फास्ट सब हुआ तो मुझे, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। फास्ट चीज़ें हो गई, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दिया, मैं उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद देता हूँ उनको, पार्टी के JP नड्डा जी जो अध्यक्ष है उनका भी मैं आभार मानता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं हमारे देवेंद्र जी जो है वो फडणवीस सर है उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी उसमें अहम भूमिका रही है। और हमारे पास 50 विधायक, उनके पास 115 से ज़्यादा विधायक, और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद आज उन्होंने एक, मैं कहूँगा, एक शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी का एक शिवसैनिक है मैं, और मुझे समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़प्पन है उनका, और निश्चित रूप से उन्होंने जो विश्वास जताया है वो विश्वास पूरी तरह विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश में करूंगा। लेकिन ये खबरें सामने निकल कर आई कि जब उन्हें ये बताया गया तो उनकी आंखें एकदम नम हो गई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, अचानक इस तरह से फैसला क्यों बदला गया? वो पार्टी का उनका मामला है, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा बनाया, सर्वोच्च पद पर बिठाया, अभी पार्टी कहती है तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी है तो पार्टी का आदेश मेरे लिए अंतिम है। आज जब कल आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आज उद्धव ठाकरे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, इसको बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी है, उद्धव साहब हमारे नेता है, और अब वो कह रहे हैं कि आप शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। मैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हूँ और जनता के दिल का मुख्यमंत्री हूँ, और निश्चित रूप से जनता के लिए मैं बहुत काम करूंगा, और इसके ऊपर मैं अभी पूरी स्पष्टता से कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, समय पर ज़रूर बोलूंगा। लेकिन आपने ये सब कर कैसे दिखाया लगातार, क्या आप मुख्यमंत्री, पहले आप सूरत निकल गए, फिर गुवाहाटी, लगातार आप लोगों की बैठकें चल रही थी, आपको ये कब पता लगा कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, और ये कैसे हो पाया, क्योंकि शरद पवार आपकी तारीफ कर रहे हैं पुणे में? देखिए, शरद पवार जी देश के बड़े नेता है, काफ़ी उनका तजुर्बा है, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक ही कहूँगा मैं, एक तरफ सत्ता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, और मैं सामने एक एकनाथ शिंदे, लेकिन 50 विधायक एक पूरी एकजुट होकर मुझ पर उन्होंने जो विश्वास जताया है ये बहुत बड़ी बात है, ये ऐतिहासिक घटना है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज हम देखें तो एक कारपोरेटर, एक ग्राम पंचायत सदस्य भी इधर से उधर जाता नहीं, ये 50 विधायक क्यों चले गए एक वैचारिक भूमिका लेकर, ये आइडियोलॉजी बाळासाहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर जा गए, क्यों गए? उनके चुनाव क्षेत्र में जो काम नहीं हो रहे थे, उनका कल जीतना मुश्किल था, ये सब विकास के मुद्दे हैं, ये एजेंडा लेकर ये सब 50 लोग मेरे साथ आए, ये छोटी बात नहीं है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज जो भी मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, इसकी वजह, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो 50 विधायक लोगों का है।
सर, जैसे आप कह रहे हैं कि उनका क्रेडिट है, लेकिन नज़रें बनी हुई थी आपकी कल की पहले कैबिनेट पर, जिसमें मेट्रो कारशेड को लेकर आपने एक बड़ा निर्णय जो है वो लेते हुए आप दिखे। आपने महाधिवक्ता को भी कुछ निर्देश दिए। क्या आप मुंबई की जनता को ये बता पाएंगे कि मेट्रो कारशेड आरे में होगा तभी फिजिबल है? देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट है जो प्रलंबित है वो समय पर पूरा उनको करना चाहिए, तभी जाके जनता को फायदा होता है, राज्य को फायदा होता है। तो ये हम लोग जितने भी प्रकल्प है, जितने भी प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग समय निर्धारित समय पर कि बिल्कुल बिफोर टाइम उसको हम लोग कंप्लीट करना चाहते, और जिस प्रोजेक्ट में जनता का हित हो, राज्य का हित हो, वही काम हम लोग हमारी सरकार करेगी। ये हित क्या आरे में होगा तभी है, आपको लगता है तुरंत कंप्लीट होने में फ़ायदा होगा क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है? इसलिए मैं अभी आपको कहा है, जो जनता के हित की बात होगी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जनता का हित और राज्य का हित देखकर हम निर्णय लेंगे। लास्ट मेरा कुछ सवाल है कि कानूनी मामला फंसा हुआ है, शिवसेना कह रही है कि आप लोगों को निलंबित कर दिया जाएगा, आप लोगों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की ऑलरेडी अपील की है जिसमें आपका भी नाम है, अध्यक्ष पद का चुनाव है, आपको लगता है कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, किसका विप चलेगा? उन्होंने कोशिश तो कर ली, डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया हुआ है, अभी कल परसों स्पीकर का चुनाव होगा, उसके 16 लोगों को पहले डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस दी, फिर और लोगों को भी कोशिश की, अभी कल परसों 3 तारीख को स्पीकर चुनाव है, उसमें ट्रस्ट वोट होंगे, और इसमें फिर आज कोर्ट में गए थे, हमारे को यह कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, सरकार अच्छा चलाओ, अच्छा काम करो, और यहाँ पर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, हमारे को न्याय देवता पर भरोसा है, हम कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे, इस राज्य में और देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे, इसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है, और हमें पूरा भरोसा है कि इसमें जीत पक्की है, क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास है। बाबा, बाबा। ओडिया सिटी जानिए। गुड़िया सट्टी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। गुड़िया सट्टी बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। कुरियर सिटी।
कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।